नमस्कार, क्या हाल चाल है? ठीक है सब? हाँ, जैसे कि यहाँ पे आप लेडर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क जो यहाँ पे चालू हो रहा है और बिल्डिंग का जो काम चालू है, ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं सीढ़ियाँ वगैरह है, पहले लेडर्स वगैरह को चेक कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए, सही है कि नहीं है। अगर सही है तो इसको इस्तेमाल कीजिए, है ना। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम है, काम चलाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम है उसका, जैसे कि रॉन्ग्स का प्रॉब्लम है या कुछ जो डिफेक्ट है आपको लग रहा है सही नहीं है, उसको साइड कीजिए। और कोई भी लैडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको 75 डिग्री पे पहले उसको इंस्टॉल कीजिए। 75 डिग्री यानी 4:1 रेशियो पे हम यूज़ करेंगे। जैसे कि 4:1 बोले तो, जैसे कि 4 मीटर का सीढ़ियाँ है तो नीचे से उसका जो डिस्टेंस रहेगा, गैप रहेगा, वो नीचे 1 मीटर का रहेगा, तो 4:1 हो जाता है। उसके बाद हम जो 8 मीटर का अगर सीढ़ी यूज करेंगे तो नीचे 2 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, तो वो भी फॉर मतलब 8:2 रेशियो के हिसाब से यूज करेंगे। और लंबा लैडर्स यूज कर रहे हैं, अगर कोई भी लैडर्स यूज किया गया है तो उसका जो टॉप पर्सन है जहाँ पे हम इंस्टॉल किया है उसे 3 से 4 फीट ऊपर होना चाहिए टॉप सरफेस से। और कभी भी लैडर्स जो हम यूज कर रहे हैं वो शॉर्ट नहीं पड़ना चाहिए, या हम चढ़ने के बाद वो इधर उधर मतलब हिलना डुलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई है मतलब लैडर से, उसको साइड कीजिए। अगर कोई भी लैडर्स कहाँ पे भी यूज कर रहे हो, अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, तो नीचे एक आदमी उसको सपोर्ट देना चाहिए, है ना। सपोर्ट, कोई एक आदमी सपोर्ट देगा फिर दूसरा आदमी ऊपर चलेगा। और दूसरी बात, हम जो लैडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे ऊपर चढ़ रहा है या चाहे नीचे आ रहा है, उसके बाद उस टाइम हम मतलब फेस कॉन्टैक्ट में जाना है। जैसे कि फेस करके लैडर्स को फेस करते हुए ऊपर जाएंगे और फेस करते हुए नीचे आएंगे। ऐसा नहीं कि बैक साइड मतलब पीछे करते हुए हम ऐसे आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है मतलब गिरने का चांस रहता है, स्लिप होने का चांस रहता है, है ना। अगर हम उतरते समय पीछे करके आएंगे तो हमारा बैलेंस बिगड़ने का चांस रहता है, हमारे साथ साथ लैडर्स भी कोलैप्स हो जाएगा, लैडर्स भी स्लिप होकर नीचे गिर सकता है। तो इसीलिए हमेशा फेस कॉन्टैक्ट करके नीचे जाइए और ऊपर चढ़िए, ठीक है। उसके बाद 4:1 तो रेशियो में वो यूज करना है सीढ़ियाँ, 75 डिग्री एंगल लगाना है। उसके साथ साथ और एक चीज़ को ध्यान रखना है, जो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है ना, जैसे कि 2 हाथ है, एक पैर कॉन्टैक्ट करना चाहिए या 2 पैर एक हाथ पे कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ये सेफ प्रैक्टिस है। अगर ये 3 कॉन्टैक्ट हमारा एक लैडर पे जो भी हम असेंडिंग करें या डिसेंडिंग करें, कभी भी चढ़े या नीचे उतरे, अगर ये जो पोजिशन है हमारा 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का, ये अगर बना रहेगा तो इंसिडेंट नियर मिस होने का बहुत चांस कम हो जाएगा। और ये एक सेफ प्रैक्टिस है, और आप भी ये सब इस्तेमाल करिए और आपका जो साथी लोगों को ये बताइए। उसके बाद कभी भी अगर ऊपर कोई पावर लाइन्स गया है, उसमें पावर सप्लाई है, ओवरहेड पावर लाइन्स है, तो पहले उसको डिस्कनेक्ट करिए। अगर डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा है आपसे, अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई इंचार्ज को बोलिए या सुपरवाइजर को बोलिए, वहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन है उनको बोलिए मेन स्विच जो है उसको ऑफ करने के लिए। पावर डिस्कनेक्ट होने के बाद ही ऊपर वहाँ पे जाना है, वहाँ पे लैडर्स को इंस्टॉल करना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे इंस्टॉल मत कीजिए, मतलब ओवरहेड जो पावर लाइन से वो बहुत रिक्स होता है, खतरा होता है, अगर थोड़ा सा भी टच हो जाएगा तो आपको नुकसान पहुँच सकता है ना। ओवरहेड पावर लाइन्स के सामने कभी भी लैडर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद हम जो लैडर्स यूज़ कर रहे हैं, देखिए वो मतलब ऊपर तो पावर लाइन्स ठीक है, अगर नहीं है तो अभी भी नीचे है क्या, वो एक बार चेक करना है। अगर नीचे भी कोई पावर लाइन्स गया है, चार्जिंग केबल है, तो पहले मतलब मेन स्विच बंद करके उसको केबल को साइड कर दीजिए। और नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे लैडर्स का इस्तेमाल मत करिए। कोई भी एनर्जाइट केबल हो, पावर लाइन्स हो, ओवरहेड हो, चाहे ग्राउंड लेवल पे हो, पावर लाइन्स के नज़दीक लैडर्स का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद कोई अगर डोर है, अगर कोई खिड़की है, डोर है, उसके सामने भी कभी लैडर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि हम जो इस्तेमाल मतलब लैडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जो अंदर बैठा है या कोई अननोन पर्सन को यूज मतलब ये पता नहीं है कि बाहर वहाँ पे सामने लैडर्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो जैसे कि डोर ओपन करेगा या खिड़की ओपन करेगा तो हमारा लैडर्स जो है कोलैप्स होने का चांस रहता है, वहाँ पे फाल इंजुरी होने का चांस रहता है। इसलिए ये थोड़ा देखिए, संभालिए। और कभी भी जो लैडर्स को यूज कर रहे हैं, लैडर्स यूज होने के टाइम एनी टाइम देखिए कि वो स्टैंडर्ड है कि नहीं। ऐसा नहीं कोई भी लकड़ी में या कोई भी मेटल में या कुछ भी सरिया में किसी भी चीज़ में मतलब जॉइंट करके बना दिया लैडर्स और उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं,
और स्टैंडर्डाइज नहीं है। इससे जो भी लैडर से उसको साइड कीजिए, ऐसा तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। और कोई लकड़ी का होगा या नॉन स्टैंडर्ड कोई भी लैडर से उसको इस्तेमाल नहीं करना है, उसको साइड करना है। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज़ है जो बहुत फ़ायदामंद चीज़ है। इसको ध्यान में रखिए, ध्यान में रखते हुए काम करिए। खुद सेफ रहिए रखिए और दूसरों को भी सेफ, खुद सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान दीजिए। और कभी भी ये जो लैडर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है आपको कोलैप्स होने का या गिरने का, तो उसको इस्तेमाल मत कीजिए। थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो एक आदमी को वहाँ पे सपोर्ट देने के लिए रखिए, और जैसे कि कोई भी लैडर से उसको सपोर्ट देगा, फिर आप ऊपर चढ़िए या नीचे उतारिए। और LUH कभी भी लैडर्स का इस्तेमाल करते समय उसको ध्यान में रखिए, है ना, ध्यान में रखिए, सेफ तरीके से काम कीजिए।